हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बुला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों में होने वाली जो समस्याएं हैं और उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये औषधियाँ कैसे काम करती है और इन समस्याओं को आपसे दूर कैसे करेंगी, सारी इस वीडियो में बताएंगे आपको। सबसे जो पहले इम्पोर्टेंट औषधि है वो है शतावर, जिसको हम शतावरी भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में बढ़ते उम्र के साथ में वीकनेस है, कमज़ोरी है, या आप मोटापे से परेशान हो, या आपका स्पर्म काउंट कम है, तो ये औषधि आपके लिए है शतावर। ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाएगी, उम्र के साथ होने वाली कमज़ोरी को दूर करेगी और मोटापा यानी ओबेसिटी, आपके शरीर के अंदर जो बढ़ी हुई चर्बी है उसको भी कम करती है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट औषधि है शतावर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी है वो है अश्वगंधा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की कमी होना, प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी संभोग करते समय टाइमिंग की दिक्कत होना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, या अगर आपके स्पर्म काउंट की कमी भी है और स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो भी कम है, इन तीनों समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने में जो जड़ी बूटी काम करती है दोस्तों, वो है अश्वगंधा। दोस्तों, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है वो है विदारीकंद। अगर आपको मेमोरी लॉस है, याद रखने में दिक्कत है, याददाश्त कमज़ोर है, तो ये दवा आपके लिए है। शारीरिक कमज़ोरी हो या मानसिक कमज़ोरी हो, इसमें भी ये काम करती है और जिन लोगों का वीर्य पतला है उसको गाढ़ा बनाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट औषधि हो गई विदारीकंद। चौथी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो जड़ी बूटी है दोस्तों, ये गाँव में बहुत प्रमुखता से यूज़ होती है। अगर आप गाँव में रहने वाले तो इस औषधि के बारे में जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं जायफल। दोस्तों, गाँव में इस औषधि का बहुत काम में लेते हैं लोग। अगर आपको पाचन तंत्र की कोई कमज़ोरी हो, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो, आप खाते पीते तो बहुत अच्छा है, बस शरीर को कुछ लगता नहीं, वीकनेस बनी रहती है। अगर आपके जोड़ों में गठिया जैसी बीमारी है, जोड़ों में पेन है, जॉइंट पेन है, तो ये जायफल उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपको किसी भी तरह की नपुंसकता है, यौन शक्ति की कमी है, तो ये दवा आपके लिए है। ये जड़ी बूटी आपको बहुत मदद करेगी, इसको हम जायफल बोलते हैं। दोस्तों, जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटी है वो है दालचीनी। दोस्तों, आजकल हमारे देश में, भारत देश में ब्लड शुगर यानी कि लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, लोगों में ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, तो ये जो दवा है दालचीनी, ये आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगी। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को भी कम करती है दालचीनी। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में रिसर्च में देखा गया कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है तो उसको भी दूर करती है दालचीनी। तो देखा दोस्तों आपने, आज हमने आपके साथ पुरुषों में जो होने वाली प्रमुख समस्या है उनके बारे में आपसे बात करी और इनको दूर कौन सी जड़ी बूटियां करती है इसके बारे में बताया। पर दोस्तों, एक बात तो है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप इन जड़ी बूटियों को ढूंढो कहाँ से, अगर ढूंढ भी लोगे तो अलग अलग मिलेगी, तो इनको साथ में लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, समस्याएं अनेक पर सोल्यूशन सिर्फ एक, लिव मुस्टैंग आयुर्वेदिक कैप्सूल्स। दोस्तों, लिव मुस्टैंग आयुर्वेदिक कैप्सूल्स में आपको शतावर भी मिलेगा, अश्वगंधा के फायदे भी मिलेंगे, विदारीकंद, जायफल और दालचीनी जैसी जड़ी बूटियाँ भी हैं इसके अंदर। इसलिए समस्याएं तो अनेक हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पर सोल्यूशन सिर्फ एक है, यानी एक ही कैप्सूल आपको, एक ही दवा आपको लेनी है और वो है लिव मुस्टैंग आयुर्वेदिक कैप्सूल्स। दोस्तों, क्योंकि ये पूर्णतया हर्बल है इसलिए साइड इफेक्ट से परे है, फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स। अगर आपको किसी भी तरह की पुरुषों में होने वाली समस्या है, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, स्पर्म काउंट की कमी है, तो आप इस कैप्सूल का रोज़ाना सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अगर आप इस कैप्सूल को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज हमने आपको लिव मुस्टैंग कैप्सूल्स के बारे में जानकारी दी है, आपके शरीर में होने वाले इसके फ़ायदे बताए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।